वेलकम फ्रेंड्स, इस फिल्म में आपको मिलेगा थ्रिलिंग एंड सस्पेंस का अनोखा तड़का। फिल्म का मेन कैरेक्टर रे अपनी फैमिली के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है, और जिसमें उसके साथ उसकी वाइफ और बेटी भी होती है, और वो सब अपने घर वापस जा रहे थे। ये सब रे की वाइफ के पेरेंट्स के घर से लौट रहे थे। रे और उसकी वाइफ कार में ही उनके मैरिज रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम्स पर बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस वक्त रे की बेटी कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, और इसके लिए वो करीबी गैस स्टेशन पर अपनी कार को रोक देता है ताकि वो वॉशरूम जा सके। वॉशरूम से जब रे की बेटी वापस आती है तो वो अपना मेकअप मिरर कहीं भूल जाती है, और तभी उस मिरर को ढूंढने के लिए रे की वाइफ वॉशरूम में जाती है। और इधर रे कार की बैक सीट पर देख रहा होता है कि रे का ध्यान कार की तरफ होता है, और उसी वक्त रे की बेटी के पास एक आवारा कुत्ता आ जाता है, और जिसकी वजह से रे की बेटी डर जाती है और पीछे की तरफ चलना शुरू कर देती है, जहाँ पर एक गहरा गड्ढा होता है। और तभी रे उस डॉग को देख लेता है और उसको डराने के लिए उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है ताकि वो डॉग भाग जाए। पर इसी हलचल में रे की बेटी उस गड्ढे में गिर जाती है, और अपनी बेटी को बचाने के लिए रे बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा देता है, पर उसको सर पर चोट लग जाती है। और इस वक्त इसकी वाइफ भी वॉशरूम से उधर आ चुकी होती है। रे अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी वाइफ आराम से उस गड्ढे में उतरती है और अपनी बेटी के जख्म देखते हुए नजर आती है। और तब तक रे भी अपने सेंस में वापस आ जाता है, और वो अपनी बेटी को उठाकर उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। रे की बेटी के हाथ पे काफी चोट लगी होती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि उसको किसी नजदीक के हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। और ये लोग ट्रेवल करके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर एक डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर बताता है कि रे तुम्हारी बेटी के हाथ पे फ्रैक्चर है, यानी कि हाथ की हड्डी गिरने की वजह से टूट चुकी है। हाथ का तो प्लास्टर कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के हेड स्कैन करना होगा ताकि ये पता चल सके कि गिरने की वजह से सर पर तो कोई चोट नहीं आई। अब हॉस्पिटल में सर की चोट स्कैन करने वाला एरिया बेसमेंट में होता है। रे अपनी वाइफ को अपनी बेटी के साथ चेकअप के लिए बेसमेंट में भेज देता है, और खुद वेटिंग एरिया में सो जाता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था। रे एक घंटे के बाद जागता है, और वो हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है कि काफी वक्त हो चुका, क्या वो अपनी वाइफ और बेटी से मिल सकता है। स्टाफ अपने रजिस्टर चेक करते हैं और रे को बताते हैं कि आपने जो नाम बताए हैं उनका कोई रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर में या फिर कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, यानी ना तो उसकी वाइफ का नाम है और ना ही उसकी बेटी का। उसे हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर की ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो चुकी होती है, लेकिन एक नर्स स्टाफ अभी भी वहीं पर होती है जो पहले भी थी, और वो नर्स बताती है कि रे हॉस्पिटल में अकेला आया था और इसके साथ और कोई शख्स था भी नहीं। इसके अलावा रे के सर पर चोट भी लगी हुई थी, और इसके सर की चोट को मैंने टाका भी लगाया था। अब रे परेशानी की हालत में गुस्सा होने लगता है, और इस चीज को देखते हुए अस्पताल सिक्योरिटी उसको रोकते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ उसे नींद के ड्रग्स देते हैं ताकि वो शांत रहे और झगड़ा ना करे, और इसके बाद रे को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो उस कमरे से भागकर बाहर आ जाता है, और यहाँ वो दो पुलिस ऑफिसर्स को हाथ से इशारा करता है और उन्हें सारा इंसिडेंट डिटेल के साथ बताता है, और आखिरकार पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना लेता है। जो पुलिस उसके साथ हॉस्पिटल में दोबारा से आती है तो इन्वेस्टिगेट करती है, और जिस पर मालूम होता है कि वाकई रे अकेला आया था और इसके साथ इसका कोई फैमिली मेंबर नहीं था। और ये बताता है कि हम गैस स्टेशन पर थे और वहाँ मेरी बेटी गलती से गिरी थी, और बाकी सब डिटेल्स भी बताता है। तो पुलिस ऑफिसर डिसीजन लेती है कि हमें गैस स्टेशन पर जाकर देखना चाहिए, और जिससे वहाँ पर शायद कोई क्ल्यू मिल सके। तब रे और दोनों पुलिस मिलकर गैस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं, और जब पुलिस उस होल को देखती है जहाँ रे ने कहा था कि उसकी बेटी गिरकर जख्मी हुई थी, वो रे को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस होल में बहुत ज्यादा खून के निशान थे, जो पुलिस को लग रहा था कि सिर्फ गिरने से इतने ज्यादा खून नहीं बह सकते और इतने निशान नहीं लग सकते। पुलिस रे को गिरफ्तार करने ही वाले होते हैं कि वो उनकी गन छीन लेता है और उनको वहीं गैस स्टेशन पर लॉक कर देता है ताकि वो उसके पीछे ना आ सके। और अब गन रे के पास है। अब रे अपनी बेटी और वाइफ की तलाश में हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली को डॉक्टर ने कहीं पर छुपा दिया होगा ताकि ये उनके बॉडी ऑर्गन्स इलीगल तरीके से निकाल के स्मगल कर सके और ये दूसरे पेशेंट को बॉडी ऑर्गन्स डोनेट कर दे मगर इनकी मर्जी के खिलाफ। अब कुछ ही देर में रे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से लड़ता है और बेसमेंट की तरफ चला जाता है। यहाँ इसे अपनी बेटी नजर आती है, और जिसके बॉडी ऑर्गन्स डॉक्टर अभी निकालने ही वाले होते हैं, और इसके साथ में इसकी वाइफ भी होती है जो दवाई की वजह से नींद की हालत में होती है,
वो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है और जाते हुए सब डॉक्टर को गोलियां मार देता है और यहाँ सब कार में बैठकर चले जाते हैं। तो कहानी के ट्विस्ट में अब हमें ये पता चलता है कि ये रिवील होता है और इसकी फैमिली इस गैस स्टेशन के पास वाले होल में गिरकर मर चुकी थी और इसकी बेटी तो खुद ही डॉग से डर के गिर गई थी, जबकि इसकी वाइफ को रे ने खुद धक्का दिया होता है और वो एक नुकीली चीज में जाकर गिरती है और जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि दोनों को डेथ गैस स्टेशन पर हो चुका था और इन दोनों की डेड बॉडी शुरू से ही रेक कार की पिछली डिग्गी के अंदर मौजूद थी और जो कि इसने खुद रखी थी। और ये सब कुछ जो हॉस्पिटल में होता रहता था, जैसा कि रे का कहना था कि मैं अकेला नहीं आया था, हॉस्पिटल स्टाफ पर बॉडी ऑर्गन्स का इल्ज़ाम लगाना, पुलिस को झूठी कहानी सुनाना, और ये सब रे का मेंटल डिसऑर्डर की वजह से था। रे का कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग काम कर रहा होता है। हालांकि दोनों मर्डर उसने ही किया था, मगर इसका दिमाग शुरू से ये सब कहानी बना रहा होता है ताकि जो मर्डर्स इसने किए हैं वो उसे इनकार कर सके। खुद की सोच रहा होता है जबकि कत्ल करने वाला वो खुद ही था। और आखिर में हम ये देखते हैं कि वो लोग जो ये हॉस्पिटल से भगा लाया था अपने फैमिली मेम्बर समझकर, वो एक सीरियस पेशेंट होते हैं और वो भी मर चुके होते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जल्द ही मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।